नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुबह में लीची के अपने बगीचे में पहुंच गया हूं और आप देख रहे हैं कि लीची के सारे पेड़ लीची से लदे हुए हैं। अभी ये पके हुए नहीं हैं, जब ये पक जाएंगे तो लीची का रंग लाल और देखने में खूबसूरत लगेंगे। ये लीची का चाइना वैरायटी है जो बिहार में काफ़ी प्रचलित है और ये लीची देर से पकती है और फल छोटे होते हैं, बीज छोटी होती है। बीज छोटे होने के कारण गूदे की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा अरली बेदाना, डी रोज और त्रिकोलिया भी अच्छी किस्म की लीची की प्रजाति है। बिहार में सबसे ज़्यादा दो ही तरह की लीची की खेती होती है, एक है शाही लीची और दूसरा है चाइना लीची। शाही लीची में पैदावार ज़्यादा होती है, इसका फल गोल एवं छिलके गहरे लाल होते हैं, अंदर से रसीले फलदार सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके पेड़ में 2 से 3 साल में फल लगने लगते हैं। यह किस्म मई तक तैयार हो जाती है। लीची की बहुत सी प्रजातियां होती है, जिसमें लीची की 5 किस्में जो बिहार में उगाई जाती है प्रमुख है, कलकतिया लीची, देहरादून लीची, रोज सेंटेड, अर्ली, लार्ज, रेड और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का ही शाही लीची है। शाही लीची में जब ये पक जाता है तो इसमें खाने पर गुलाब के फूल की तरह, फूल की खुशबू की तरह इसमें से खुशबू आती है, इसलिए इसका नाम शाही लीची है।